नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन और आप सभी का स्वागत करता हूं शर्लॉक होम्स ऑडियो बुक सीरीज़ के आज के एपिसोड में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि स्टैमफोर्ड डॉक्टर वॉटसन से मिलता है और दोनों की आपसी बातचीत होती है। स्टैमफोर्ड डॉक्टर वॉटसन को अपने दोस्त शर्लॉक होम्स के बारे में बताता है और डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब देखते हैं आगे। द नेम इज शर्लॉक होम्स एंड द एड्रेस इज 221 बी बेकर स्ट्रीट। छोड़ने के बाद हम हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। स्टैमफोर्ड ने शर्लॉक होम्स के बारे में कुछ और जानकारी दी जिसके साथ मैं रहने का मन बना रहा था। स्टैमफोर्ड बोला, अगर तुम्हारी शर्लॉक होम्स से ना पटे तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना वॉटसन, मैं उसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। मैं कभी कभार उससे मुलाकात होने पर जान पाया हूँ और शर्लॉक होम्स के साथ रहने का सुझाव भी तुम्हारी ओर से आया, तो इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। तुम चिंता मत करो स्टैमफोर्ड, अगर हमारी नहीं पटेगी तो अलग होना आसान होगा। मुझे लगता है स्टैमफोर्ड कि इस मामले से तुम हाथ धोना चाहते हो, तो इसकी तुम्हारे पास ज़रूर कोई वजह होगी। क्या इस आदमी का गुस्सा बहुत तेज़ है या और कोई बात है? देखो स्टैमफोर्ड, इस बारे में मुझे घुमा फिरा कर बात मत करो मेरे दोस्त। अनकही बातों को कहा नहीं जा सकता मेरे दोस्त वॉटसन। मेरी दिलचस्पी के हिसाब से होम्स कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक दिमाग रखता है। कभी कभी वो अनमना और रूखा सा रहता है और कभी कभी वो अपने दोस्तों को वनस्पति भी टेस्ट करवाता है, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं समझे, पर सिर्फ इस कुतूहल से यह देखने के लिए कि उस वनस्पति का ठीक ठाक क्या असर होता है, उसकी सिफारिश करते हुए वो अपने दोस्तों को अलग अलग वनस्पति टेस्ट करवाता है। मैं सोचता हूँ कि इसी उतावलेपन से वो कभी कभार उस वनस्पति को खुद भी चख लेता है। ऐसा लगता है कि शर्लॉक होम्स को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने का जुनून है। हाँ, पर कभी कभार कुछ ज्यादती भी हो जाती है, जैसे कि पोस्टमार्टम के कमरे में वो लाशों को डंडे मारता है, तो ये पागलपन ही मालूम पड़ता है। लाशों को डंडे मारता है? हाँ, ये साबित करने के लिए कि मौत के बाद भी किसी को जख्म दिया जा सकता है। मैंने अपने आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा है। और फिर भी तुम ये कहते हो कि वो मेडिकल छात्र नहीं है? नहीं वॉटसन, यही तो मैं नहीं जानता कि उसकी स्टडी का टॉपिक क्या है। पर चलो वॉटसन, अब हम पहुंच गए हैं तो अब तुम्हें ही शर्लॉक होम्स के बारे में राय खुद बनानी होगी। जब स्टैमफोर्ड बोल रहा था, हम एक सांकड़ी गली में मुड़े और एक छोटे सी साइज के दरवाजे से गुजरकर एक बड़े हॉस्पिटल के एक भाग में पहुंचे। मेरे लिए ये इलाका जाना पहचाना था। हम बीच की गैलरी में अपने रास्ते पे चलते गए। गैलरी के दूसरे छोर के पास एक नीचा सा गुंबद आकार का रास्ता निकल रहा था और वो हमें केमिकल लैब तक ले गया। केमिकल लैब एक आलीशान कमरा था जहाँ केमिकल लैब के साधन रखे हुए थे और लैब में एक ही छात्र था जो दूर वाली मेज पर झुका हुआ था और अपने काम में तल्लीन था। उसने हमारे कदमों की आवाज़ सुनी, चारों ओर देखा और स्टैमफोर्ड की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, यस, मैंने ढूंढ लिया स्टैमफोर्ड। वो स्टैमफोर्ड की ओर देखकर बोल रहा था। उसके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब थी जिसे लेकर वो हमारी ओर दौड़ता आ रहा था और बोल रहा था, स्टैमफोर्ड, मैंने ऐसा रिएजेंट ढूंढ लिया जो हीमोग्लोबिन से ही मजबूत होता है और किसी से नहीं। स्टैमफोर्ड उसे देखकर बोला, देखा वॉटसन,
यदि उससे सोने की खान भी ढूंढ ली होती तब भी उसके चेहरे पे इससे ज्यादा खुशी नहीं होती। देखो अब मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ, शेरलॉक होम्स, देखो ये है मेरे दोस्त वॉटसन। हेलो। और वॉटसन, ये है मेरा दोस्त मिस्टर शेरलॉक होम्स। स्टैमफोर्ड ने हमारा परिचय करवाया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां आखिरकार स्टैमफोर्ड ने डॉक्टर वॉटसन की मुलाकात शेरलॉक होम्स से कराई। अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त दर्शन आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में शेरलॉक होम्स की रोमांचक दुनिया में। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। It was just texting. People text. Even I text her. I mean, woman. Bad idea. Try not to. Alone is what I have. Alone protects. I've always assumed love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.